I think he really deserves, and this year all the award goes to Pritam. Sometimes the aap akela just do you know. जी अवार्ड से बूस्टअप उतना उससे कुछ नहीं होता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाना, गाने लोगों को अच्छा लगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अवार्ड आता है एज अ पार्ट ऑफ द इसके साथ साथ. अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो जब अलमारी में खाली जगह रहता है ना वो भरने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए मिर्ची को भी श्रेय जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में एक यूनिटी लाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने एक ये मैं देखा हूँ मिर्ची अवार्ड में हमेशा एवरीबडी कम्स टुगेदर. कोई 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 क्वेश्चन नहीं पूछता मिर्ची अवार्ड है हाँ हमारा अवार्ड है बोल के. अभी तो आगे बहुत प्रोजेक्ट है लेकिन सामने एक जो जग्गा जासूस खड़ा है ना उसके आगे मेरे को कुछ उसे कुछ नहीं दिख रहा है. सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये है कि चूंकि म्यूजिक फैटर्निटी इसको जज करती है और म्यूजिक के लोगों को जज करती है सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिन लोगों को मिलता है उनको खुशी होती है कि कम से कम उन लोगों ने उनको अवार्ड दिया जो उस चीज़ को समझते. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ डे बाई डे और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. आई एम वेरी होपफुल कि और बेहतर होगा. बेटा दुनिया परिवर्तनशील है परिवर्तन होता रहेगा ऐसी चीज़ें आती रहेंगी फिर वो दौर आ जाएगा कुछ साल बाद. हाँ वो रेडियो शो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. सफरनामा मैं 91.9 रेडियो FM पे रेडियो नशा पे करता हूँ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात. उनके कौन से जीते हैं वोट दिया है तो हम कितने कर सकते हैं. देखिए ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से गाने आज विनर्स हैं इसलिए कि नॉमिनेशन हुए हैं हर आदमी ने वोट दिया है. लेकिन अच्छा कंपटीशन रहा कुछ अच्छे एल्बम हैं कुछ बहुत अच्छे गाने हैं और इस अवार्ड की वैल्यू ये है कि ये अवार्ड कोई दूसरा नहीं देता है बल्कि वही लोग देते हैं जो इस काम के जानकार हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं लिरिसिस्ट हैं सिंगर्स हैं पूरी जो जूरी है वो उन्हीं लोगों की है कोई और नहीं है. तो ये आपके जो पीयर्स हैं आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं आपके जो कंपटीटर्स भी हैं वो आपको वोट दें ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं नहीं ये तो ये कहना चाहूँगा कि भीड़ का कंट्रोल बेटर करना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस को और जो या रेलवे पुलिस को इसमें उसका थोड़ी गलती है कि वो मतलब आप क्या कह रहे थे शाहरुख खान को कभी रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए ये तो कोई मतलब नहीं है. ये है कि वो वहाँ जो भीड़ थी वहाँ जो मॉब हो गया क्राउड हुआ वो बेटर कंट्रोल होना चाहिए था. इसके अलावा म्यूजिक की परिभाषा बदल चुकी है तो कितना मुश्किल हुआ ये चुनने के लिए इस साल का जो म्यूजिक है वो चुनने के लिए कितनी मुश्किलात हुई आपके लिए? नहीं ये सही है कि अब जरा बहुत अच्छी म्यूजिक उतनी आसानी से नहीं मिलती थी 50s, 60s, 70s में मिलती थी लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे ऐसी बात नहीं. ऐसा कोई सिंगर है जिसे आप खुद अपने देखिए इस तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए कि अभी हम जूरी से उठे हैं किसी एक की तारीफ करें वो बात ठीक नहीं और ये फैसला होगा सबने अपने अपने वोट दे दिए हैं और वो अनाउंस होगा आखिरी वक्त पे. जावेद साहब आपकी नज़र से ऐसी क्या बात है कि पुराने गानों की जवानी आज भी बरकरार है लोग उसे आज भी बहुत पसंद करते हैं? उसकी वजह ये है कि उसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो वर्ड्स सुनाई देते हैं. आज वर्ड्स वैसे क्यों नहीं? हाँ वो ट्यून्स भी कुछ फास्ट हो गई हैं तो उसमें वर्ड भी फास्ट हो गए हैं म्यूजिक बहुत लाउड हो गई कुछ ट्रेंड्स चेंज हुए हैं तो उसमें अक्सर तो गानों के वर्ड सुनने में नहीं आते. अच्छा एक आखिरी सवाल क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है 2016 का आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैंने आपसे कहा कि सो बीइंग अ मेंबर ऑफ जूरी और वो भी वहाँ पर मैं चेयरमैन की हैसियत से बैठा था तो मेरे लिए मुनासिब बात नहीं है कि मैं किसी भी एक गाने की तारीफ करूँ इस वक्त. इसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा इस साल कई गाने का रिक्रिएट किया गया कई गानों को तो सबसे बेस्ट रिक्रिएशन कौन सा लगा आपको? आपको मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ आप लोग बार बार वही सवाल कर रहे हैं. मैं अपनी ओपिनियन आज नहीं देना चाहता
बहुत हेल्प करते हैं, कितना टैलेंट आता है और पूरे देश में फैल रहा है, वो अगर नहीं भी जीतते हो कंपटीशन मगर वेल नोन हो जाते हैं तो उनको उनके प्रोग्राम पूरे देश में होते हैं और छोटे छोटे शहरों के लोगों को जिन्हें कभी उन लड़के लड़कियों को मौका नहीं मिलता था आगे आने का और अपना फन दिखाने का उन्हें मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा। Well, I've been with Radio Mirchi from the beginning, it's 9 years now, and I'm seeing the voting system is getting even better, and more people from different genres of music are part of the jury, and I think we are doing voting in a very, very fair system, and finally the most talented will win the awards, and we're like a big family. We have Javed Saab and, you know, Ramesh Sippiji, and we also have today's music directors like Preetha Minnett. And we have Udit Narayan and we have Suresh Vadkar. So we have, you know, different Alkaji sab hai. So I feel because it's a big unit, I think the voting is very, very fair. And I'm very happy to be part of it for 9 years. And I'm just seeing it growing and getting better and better each year. But there are many quality artists. So how do you judge the winner as such? I mean, what about quality? Definitely talent. And as a singer, when you say, how do I choose the best singer? Obviously, I'm seeing not only the voice quality, I'm also seeing the musicianship of the singer, how well they're approaching the song, unki emotional approach, sirf gaya ye nahi, emotional approach hai ki nahi, alfaz saaf bolte hai ki nahi. To ye sari baaton ko dimaag mein rakhne ke baad hi hum 1 to 9 mein jo bhi marking dete hain, us hisab se hi dete hain. Thank you.